उनको भी 14 अगस्त को ये कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व भारत के अस्तित्व के साथ है। मैं एक कुटुंब का हिस्सा हूं, वो कुटुंब एक समाज का हिस्सा है, वो समाज भारत का हिस्सा है। भारत दुभंग है तो वो समाज दुभंग है, मेरा परिवार दुभंग है, मैं अपने आप में, अंग्रेजी में कहते शिजोफ्रेनिक हो गया, उसके जो जो दुष्परिणाम होते हैं सब मुझे भुगतने पड़ते हैं। इन सबको ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय धार्मिक सब प्रकार से कर्तव्य है, मानवीय कर्तव्य भी यही है, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है।